हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्रेंड्स एस एंड आई टेक्नोलॉजी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के थंबनेल से तो पता चल गया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मोबाइल में ब्यूटी रोस्टर कैसे क्रिएट करते हैं, जो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ब्यूटी रोस्टर बनाने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो कम्प्लीट देखें और आप कम्प्लीट सीख जाएंगे हाउ टू क्रिएट ब्यूटी रोस्टर, और फ्रेंड्स वो भी मोबाइल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, कंप्लीट सीखने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर ये वाला ऐप मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे एमएस एक्सेल सर्च करना है, और उसके बाद आपको आपके सामने एमएस एक्सेल का ऐप आ जाएगा, जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। फ्रेंड्स, ये वाले एप्लीकेशन का रिव्यू जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसी वाले ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये लॉगिन करने के दौरान कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर पूरा एक वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, लॉगिन होने के बाद जब आप ऐप को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम न्यू सीट क्रिएट करने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक नया सीट ले लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें आपका बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप कोई दूसरा डाटा बनाना चाहेंगे तो फॉर्मेट, अलग अलग टाइप का फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम स्प्रेडशीट बनाएंगे अभी, तो हमको ब्लैंक सीट की जरूरत पड़ने वाला है, तो हम एक ब्लैंक सीट ही ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक ब्लैंक सीट ले लिया है, और इसके बाद चलिए हम अपना ड्यूटी रोस्टर का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे सेकंड रो पर, और यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर देने के बाद फ्रेंड्स, हम इसमें एम्प्लॉयज आईडी देंगे। एम्प्लॉयज आईडी देने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम एम्प्लॉयज का नेम देंगे। नेम देने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डेट का एंट्री करेंगे। जिस मंथ का हम ड्यूटी रोस्टर बना रहे होंगे उसी डेट का हम यहाँ, उसी मंथ का यहाँ पे डेट हम एंटर करने वाले हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम जुलाई मंथ का यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो जुलाई जैसे 31 डे का है, तो यहाँ पे हम 31 तक एंट्री करेंगे। तो हमने 1, 2, 3 लिख दिया है, और उसके बाद इसको हम फिल का ऑप्शन क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे 31 तक। तो यहाँ पे हमने डेट का एंट्री कर दिया है, और इसके बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे और इसके अलाइनमेंट को सेंटर और मिडिल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम यहाँ पे डेट है, और उस डेट को जो डे रहेगा उसका हम एंट्री करेंगे। आप कैलेंडर पे देख के कर सकते हैं, जैसे जुलाई मंथ कौन सा फर्स्ट डेट कौन सा डे है वो उसको आपको देख लेना है, और उसके बाद इसमें आपको एंट्री कर देना है। और उसके बाद आपको फर्स्ट डेट का डे पता चल जाता है, तो उसके बाद आप पूरे मंथ का एंटर कर सकते हैं। पहले आपको 1 वीक का कर लेना है, और उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, तो पूरे मंथ का हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स, हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। इसमें कोई पार्टिकुलर मंथ का ही ड्यूटी रोस्टर बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन है इसमें हमारा कंडीशन वाला फॉर्मेट नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम इसमें कोई कंडीशन लगा नहीं सकते हैं। तो हमें पर्टिकुलर मंथ का इसमें ड्यूटी रोस्टर बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें कैलेंडर का कुछ हेल्प लेना है, और उसके हेल्प से हमें यहाँ पे डेज का एंट्री कर देना है, और 1 वीक का एंट्री करने के बाद उसको हम कॉपी पेस्ट करके कंप्लीट मंथ का कर लेंगे। तो चलिए उस तरह हम करते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेज का एंट्री हो चुका है, और इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके अलाइनमेंट को मिडिल और सेंट्रल कर देंगे। साथ ही साथ इसको हम बोल्ड कर देंगे, और इसमें कोई एक अच्छा सा कलर भी फिल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे कोई एक अच्छा सा कलर फिल कर दिया है, और इसके बाद जो हमने डेट यहाँ पर दिया हुआ है उसमें भी कोई एक अच्छा सा कलर फिल कर देते हैं। तो इसके बाद जो हमने फर्स्ट रो को खाली छोड़ा था उसमें हम अपना हेडिंग बनाएंगे, उसको सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमारा डाटा है।
फर्स्ट सेल से जो जहाँ तक हमारा डाटा है वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद इसमें हम अपना हेडिंग लगा देंगे। जैसे हमारा हेडिंग होगा ड्यूटी रोस्टर फॉर मंथ जुलाई 2024, तो इसको पहले मर्ज होम में जाके मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन में जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट मर्ज हो जाएगा। और इसके बाद इसमें हम अपना टाइटल लिख देंगे ड्यूटी रोस्टर फॉर मंथ जुलाई 2024। और इसके बाद इसको भी हम बोल्ड कर देंगे और इसके अलाइनमेंट को सेंटर एंड मिडिल कर देंगे, और इसके बाद इसमें भी कोई एक अच्छा सा कलर फिल कर देंगे। और अगर इसके रो के साइज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बगल में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो इसके रो के लेंथ जो है साइज़ को उसको बढ़ाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर इसको बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम इसके फॉन्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 11 से हम इसको 20 कर देंगे, ताकि जो हमने यहाँ पर इसके सेल साइज को बढ़ाया है उस पर सही से फॉर्मेट आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे 20 कर दिया है जो हमारा अच्छे से फिट हो जा रहा है। अब इसके बाद फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर और देखते हैं प्रोसेस। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख के रखा है तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी ज़्यादा नहीं, मिनिमम अभी हम 7 एम्प्लॉयज़ का ड्यूटी रोस्टर बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और देखने में बोरिंग ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीरियल नंबर का एंट्री हमने यहाँ पे कर दिया है, इसके बाद एम्प्लॉयज़ आईडी का करना है। तो उससे पहले फ्रेंड्स चलिए इसमें हम बॉर्डर लगा लेते हैं, जितना एरिया में हमारा डाटा बनने वाला है उतना एरिया में हम इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे, ताकि जो हमारा डाटा बनते जाएगा वो अच्छा से विजुअलाइज हो सके, वो अच्छा से दिख सके। तो चलिए इसको हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़ आईडी को एंटर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उसको करते हैं। यहाँ पे जो हमने सीरियल नंबर लिख के रखा है ये थोड़ा सा नीचे आएगा, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, उसके बाद हम एम्प्लॉयज़ आईडी और नेम का एंट्री करेंगे। इसके बाद चलिए एम्प्लॉयज़ आईडी को एंटर कर देते हैं। एम्प्लॉयज़ आईडी जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ आईडी भी एंटर कर चुका है, इसके बाद यहाँ पे हम नेम एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास कोई नेम नहीं है, तो यहाँ पे नो नेम करके इसको पूरे सीट में हम इसको फिल कर देंगे नेम वाला रो में कॉलम में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा 7 नंबर सीरियल वाला रो है वहाँ पर हमारा बॉर्डर छुटा हुआ है, तो उसको थोड़ा फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर लगा दिया है ऑल बॉर्डर्स। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा सीरियल नंबर एम्प्लॉयज़ आईडी और नेम का जो दो दो सेल हमारा है उसको मर्ज करके एक कर देंगे, और इसको इसके जो फॉन्ट है उसको मिडिल और सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे और इसमें बोल्ड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, और इसमें कोई एक अच्छा सा कलर भी फिल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कोई एक ब्लू डार्क कलर ले लिया है, और इसके लिए हमें इसके फॉन्ट कलर को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो हमने फॉन्ट कलर को वाइट कर दिया है। और इसके बाद जो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर आईडी और नेम का जो एंट्री करके रखा है उसको भी हम थोड़ा सा इसके अलाइनमेंट को मिडिल और सेंटर कर देंगे और इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ड्यूटी रोस्टर का जो शेड्यूल होता है उसको मैनेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक फॉर्मेट ध्यान में रखना है ACB का। यहाँ पे हमारा कोई भी बंदा जो पहले ए शिफ्ट करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी करेगा, यानी ACB। सबसे पहले हमें ये चॉइस कर लेना है कि कौन सा बंदा मंथ का फर्स्ट डेट को कौन शिफ्ट में आ रहा है, उसको पहले देख लेना है, उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री कर देना है। और इसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा कौन किसका कौन सा शिफ्ट चल रहा है, और उसके बाद हमें इसमें उसका वीकली ऑफ को इंक्लूड करना है।
तो चलिए जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा यहाँ जो पहला एम्प्लॉयज़ है उसका वीकली ऑफ ट्यूसडे को रहेगा, तो हमें ट्यूसडे को डब्ल्यू ओ यानी वीकली ऑफ लिख देना है। और इसका जो कंप्लीट मंथ है जितना भी ट्यूसडे आएगा तो सब ट्यूसडे को इसका ऑफ रहेगा, तो हर ट्यूसडे में इसका वीकली ऑफ को एंट्री कर देना है। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से फर्स्ट एम्प्लॉयज़ का वीकली ऑफ इंक्लूड किया है उसी तरह हमें सारे एम्प्लॉयज़ का वीकली ऑफ पहले पता करके उसको इंक्लूड कर देना है। तो जैसे मान लीजिए जैसे हमारा फर्स्ट एम्प्लॉयज़ का ट्यूसडे का है तो उसके बाद वाला एम्प्लॉयज़ का वेडनेसडे का होगा, थर्सडे को एक सीरीज़ में इसको बना लेंगे और उसके बाद हम इसको देख लेंगे कौन सा एम्प्लॉयज़ का कौन सा डे को वीकली ऑफ है, उसके बाद कंप्लीट मंथ पे उसका एंटर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप कॉपी पेस्ट का यूज़ करके आप इसको आसानी से जल्दी से कर सकते हैं या आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट का यूज़ करेंगे ताकि हमारा ये जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे एम्प्लॉयज़ का वीकली ऑफ एंटर कर दिया है और जो ये हमारा लास्ट वाला एम्प्लॉय है उसका वीकली ऑफ मंडे को है, तो यहाँ पे हम इसको डब्ल्यू यानी वीकली ऑफ मंडे को कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा एम्प्लॉयज़ का वीकली ऑफ इंक्लूड हो चुका है और इसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट का एंट्री करने वाले हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़ का जो वीक रहता है उसका फर्स्ट डे जो रहता है वो जो डे में उसका शिफ्ट स्टार्ट होता है वो शिफ्ट पूरा वीक चलता है, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे एंट्री करना है। तो जैसे ये एम्प्लॉयज़ का मान लीजिए ए से सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पूरा वीक सी से चलेगा, किसी का मान लीजिए बी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पूरा वीक बी से चलेगा, तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे एंट्री कर लेना है। बस इसमें एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, ए सी बी का फॉर्मेट इसमें इंक्लूड करना है। अगर ए से उसका चल रहा है तो उसका पूरा वीक ए से चलेगा और जस्ट उसके वीकली ऑफ के बाद उसका सी से स्टार्ट हो जाएगा, सी से स्टार्ट होने के बाद उसका पूरा वीक सी से चलेगा और उसके बाद वीकली ऑफ आने के बाद उसका बी से फिर से स्टार्ट हो जाएगा और सेम फॉर्मेट ये चलता रहेगा। तो इसी तरह से हमको ए सी बी का फॉर्मेट ध्यान में रखते हुए कंप्लीट शीट को बना लेना है। तो किस तरह से फॉर्मेट बनाना है ये तो आपको पता चल गया होगा, तो चलिए हम कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हुए इसको हम जल्दी से बना लेते हैं। और ये सारे प्रोसेस में अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हमारे चैनल के थ्रू ड्यूटी रोस्टर बनाया भी जाता है, अगर आपको ड्यूटी रोस्टर बनाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, पर्सनल नंबर, उससे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट शेड्यूल के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा शिफ्ट शेड्यूल लगभग बनने को ही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, आपको बस ए सी बी का फॉर्मेट ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके कोई भी एम्प्लॉयज़ जो ए से स्टार्ट करता है उसका पूरा वीक ए से चलेगा उसका, और उसके बाद जब उसका वीकली ऑफ आएगा तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट शिफ्ट होगा वो सी से चलेगा। और फ्रेंड्स ये जो है ये ड्यूटी रोस्टर जो बन रहा है ये 8 आवर 3 शिफ्ट का रोटर का है, इसमें एम्प्लॉयज़ 3 शिफ्ट में काम करेंगे 8 घंटे करके। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं 2 शिफ्ट के, 12 आवर के। तो अभी हमारा ये वीडियो जो है 3 शिफ्ट का है, 8 आवर का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशन में बनते हैं और अगर आपको कोई दूसरा कंडीशन में चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके अकॉर्डिंग हम बना के वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके हमारे चैनल के थ्रू। और अगर आप हमारे शिफ्ट शेड्यूल का सैंपल देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से आप हमारा सैंपल देख सकते हैं, उसका लिंक टेलीग्राम पे हमने अपलोड कर दिया है। और इस तरह से हमारा शिफ्ट शेड्यूल बनने को आया है। तो फ्रेंड्स जब तक ये बन रहा है तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मेट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसके फॉन्ट अलाइनमेंट को इसको सेटअप करेंगे, इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसके अलाइनमेंट को मिडिल और सेंटर कर देंगे।
और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा कलर फिल भी कर देंगे ताकि ये अच्छा सा हमारा दिखे। तो यहाँ पे हमारा लगभग ये बन ही चुका है और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर फिलिंग का काम थोड़ा बचा हुआ है तो उसको भी हम कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा सीट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन चुका है। यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें भी हम कलर फिल कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिफ्ट शेड्यूल मोबाइल में बनकर रेडी हो चुका है। जो फ्रेंड्स ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का वीडियो जो मोबाइल में आपको शिफ्ट शेड्यूल बना के दिखाया हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो और भी देखने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।